नमस्कार किसान भैया, एग्रीकल्चर पीएस भाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भैया, एक मैसेज आपके मोबाइल पर आया होगा जिसमें लिखा है, प्रिय किसान, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपको किसान क्रेडिट कार्ड अब तक नहीं मिला तो 24 अप्रैल 2022 को आयोजित हो रही विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होकर तुरंत पाएँ अपना किसान क्रेडिट कार्ड। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने पंचायत सचिव से संपर्क करें। तो आज के इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण सुन लें। कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेस बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। तो किसान भाइयों, आई होप आपके समझ में आया होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीएम सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था जो सीमांत या लघु किसान है। सीमांत और लघु किसान वो होते हैं जिनके पास में 2 हेक्टर यानी 12 बीघा या 12 बीघा से कम जमीन होती है। तो ऐसे किसान क्या करते हैं, बड़े महाजन या साहूकार के पास में जा करके और पैसे उधार लेते हैं यानी कि ऋण लेते हैं, तो वहाँ पर उनको अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो वर्तमान सरकार हैं वो चाहती हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो उसी क्रम में गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिले। तो इस तरह से एक किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, तो उससे किसानों को एक छोटा ऋण मिलता है जिससे वो अपना खाद बीज खरीद सकें और अपने रबी और खरीफ की फसलों के लिए, और उस पर जो ब्याज लगता है वो आई थिंक 3 या 4% इतना ही ब्याज लगता है। तो आगे इस वीडियो में आपको और बताऊंगा, तो आप मेरे साथ में बने रहें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत देश के किसानों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें 1,60,000 का लोन दिया जाएगा। इस लोन के माध्यम से देश के किसान अपनी खेती की और अच्छे ढंग से देखभाल कर पाएंगे। इसी के साथ किसान अपनी फसल का बीमा भी करा पाएंगे। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालक तथा मछुआरों को भी शामिल किया गया है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हमारे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन बिना किसी गारंटी के किसानों को 4% पर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है और फार्म किस तरह का होता है और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वैसे तो आपको आवेदन ई मित्र पर जाके करना है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं pmkisan.gov.in, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के और आप तो इस वेबसाइट के एंड में जाकर के हम देखते हैं राइट और डाउन के अंतर्गत। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है डाउनलोड केसीसी फॉरम। तो इसको आपको क्या डाउनलोड करना होगा, तो हम देखते हैं, इसको डाउनलोड करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह का एक फॉरम होता है। तो इसमें क्या ऊपर लिखा है, टू बी द ब्रांच मैनेजर, आप कौन से बैंक के अंदर, आपने जब पीएम किसान सम्मान निधि 2,000 रुपये आपके कौन से खाते में आते हैं, वो बैंक कौन सा है, उसका नाम लिखना होता है। और यहाँ पर देखिए कि इशू ऑफ आप नया केसेस लेना चाहते हैं
या उसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, या आपका किसी कार्ड पहले था अकाउंट और वो किसी वजह से डीएक्टिव हो गया तो उसको एक्टिव कराना चाहते हैं, एक यहाँ पर ये है। दूसरा मैं एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि एक होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों के अंतर्गत एक साल का कुछ प्रीमियम कटता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें आपके साल के 12 रुपये कटेंगे और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है उसमें आपके 330 रुपये कटेंगे। इन दोनों का जो बीमित राशि है वो 2 लाख रुपये हैं और मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये आपको टिक करना है, यस करना है, ये दोनों बीमे आपको करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह भरने होते हैं तो ये आप CSC या ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, ये घोषणा पत्र और इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म होता है, और ऑनलाइन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की एक वेबसाइट होती है और ये CSE सेंटर पे होती है। तो आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बताता हूँ, यदि आपको इस तरह का आवेदन करना है तो आपको CSE सेंटर पर जाना है, और अगर CSE सेंटर वाला कोई देख रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जाकर के और आप अबाउट KCC के बारे में जान सकते हैं कि व्हाट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इसका क्या मतलब अर्थ है और बेनिफिट कौन ले सकते हैं, क्या फीचर हैं, कौन कौन इसके लिए योग्य हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्रेडिट का लिमिट क्या है, तो इस तरह से है। और वैसे आपको बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको जन आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जमाबंदी चाहिए, खेत का नक्शा गिरदावरी चाहिए, और जो आप PM सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उसका भी एक प्रतिलिपि चाहिए इसके अंतर्गत। और देखिए अप्लाई न्यू KCC, तो अगर KCC जो अपना CSE सेंटर है वो अपना पासवर्ड और ID दे करके और इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इस तरह की एक जानकारी थी कि आप किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।